आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रीमती भूमिका शर्मा, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय बागबाहरा। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा अध्ययन का विषय है गाडगिल फार्मूला। गाडगिल फार्मूला पब्लिक फाइनेंस सेमेस्टर 4 पेपर 3 सेकेंड यूनिट से लिया गया है ये टॉपिक। और आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि गाडगिल फार्मूला क्या है। गाडगिल फार्मूला जो दिया था वो दिया था डॉक्टर डी.आर. गाडगिल ने, और उन्हीं के नाम से इस फार्मूले को गाडगिल फार्मूला कहा जाता है। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत में विभिन्न राज्यों में जो वित्तीय असंतुलन पाया जाता है उसको दूर करने के लिए या असमानता को कम करने के लिए तीन माध्यम हैं, वो है वित्त आयोग, योजना आयोग और विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से प्रयास किया जाता है। तो गाडगिल फार्मूले का जो संबंध है वो योजना आयोग से है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में योजना आयोग का कार्य क्या है, तो योजना आयोग जो है वित्तीय असंतुलन को दूर करने का भी काम करता है। मतलब विभिन्न राज्यों में जो आय के संबंध में जो असंतुलन पाया जाता है उसको दूर करने के लिए ऋण और अनुदान की राशि प्रदान करता है। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना 1966 से 1969, उसके पहले तक कोई भी ऐसा निश्चित तरीका नहीं था कि किस राज्य को कितना अनुदान या ऋण दिया जाए। ये योजना के तहत दिया जाता था, जो भी योजना लागू की जाती थी उसके तहत दिया जाता था, जिससे कि बहुत सारे विवाद उत्पन्न होते थे और सही बैलेंस नहीं हो पाता था। तो उनको सही तरीके से अनुदान और ऋण प्रदान करने के लिए एक निर्धारित रूपरेखा बनाना आवश्यक हो गया। तो उस समय जो तात्कालिक योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे डी.आर. गाडगिल जी, जिनका पूरा नाम था धनंजय रामचंद्र गाडगिल, उन्होंने उनकी मतलब अध्यक्षता में एक समिति बनी और समिति ने जो रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट के आधार पर एक प्रारूप तैयार हुआ, जिसको कि गाडगिल फार्मूले के नाम से जाना जाता है। तो इस रिपोर्ट में ऐसा क्या था तो जिससे कि इतना महत्वपूर्ण बन गया? तो पहली बात तो ये है कि इसमें एक नियोजित तरीका बताया है कि किस तरीके से विभिन्न राज्यों को आर्थिक सहायता दी जाए। और 1969 में जो राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक हुई उसमें इसको अनुमोदित कर दिया गया, पास कर दिया गया। रिपोर्ट क्या थी आइए हम जानते हैं। तो पहली बात जो रिपोर्ट में थी वो ये थी कि असम, जम्मू कश्मीर और नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। उस समय की स्थिति 1969 की ऐसी थी कि इन राज्यों में कई प्रकार की विशेष समस्याएं थी, इनकी परिस्थिति ऐसी थी जिसके आधार पे इनको इनका विकास करने के लिए इनको विशेष राज्यों का दर्जा दिया गया। और ये कहा गया कि जो भी अनुदान या ऋण दिए जाएंगे उसमें प्राथमिकता इन्हीं राज्यों को दी जाएगी। और उसका मानदंड ये था कि ये आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इनकी भौगोलिक स्थिति भी दुरूह है। कश्मीर को आप जानते हैं, नागालैंड को भी आप भारत के नक्शे में देख सकते हैं कैसी सिचुएशन में है, आसाम है, नॉर्थ ईस्ट के तो सभी राज्य जो है विशेष परिस्थिति वाले हैं। तो जम्मू कश्मीर जिसका सामरिक महत्व भी था, मतलब युद्ध संबंधी हमेशा युद्ध होता रहा वहाँ पे, दो युद्ध तब तक झेल चुका था ये एरिया, फिर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं, तो इन सभी बातों को देखते हुए इनको विशेष राज्य का दर्जा जो है वो दिया गया और अनुदान में प्राथमिकता दी गई। दूसरी बात ये थी कि बाकी जो राज्य हैं, तो ये कहा गया कि 30% तो विशेष राज्यों को जो भी संसाधन प्राप्त होंगे वो योजना में वो 30% विशेष राज्यों पे खर्चा कर दिया जाएगा। और 30% खर्च करने के बाद जो शेष राशि बचती है उसको निम्न आधार पे बाकी राज्यों को बांटा जाएगा। तो वो आधार क्या थे? तो पहली चीज थी जनसंख्या, और जनसंख्या थी 1971 के आधार, पहले तो 1969, फिर 71 में जो जनगणना हुई है उसके आधार पे इनको निम्न तरीके से बंटवारा किया जाना था। वो था 60% जनसंख्या के आधार पे, 10% कर प्रयास, मतलब वो कितना कर जुगाड़ करते हैं, कितना कर इकट्ठा करते हैं, उनका प्रबंधन कैसा है उसके आधार पे 10% दिया जाएगा।
और अगर कोई विशेष सिंचाई परियोजना या पावर परियोजना, क्योंकि इस समय इस तरीके की कई परियोजनाएं चल रही थी, तो 10% जो है सहायता उनके आधार पे दी जाएगी। फिर बचा प्रति व्यक्ति आय के आधार पे, मतलब जितना भी नेशनल लेवल पे प्रति व्यक्ति आय होती है, अगर उससे कम किसी राज्य में प्रति व्यक्ति आय है, जितनी कम होगी उसके आधार पे 10% उनको सहायता दी जाएगी। तो वेटेज जो भार दिया गया वो 10% था। तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे, 60% जनसंख्या के आधार पे, 10% कर प्रयास के आधार पे, 10% सिंचाई और पावर परियोजनाओं के आधार पे, 10% प्रति व्यक्ति आय के आधार पे। अगर किसी राज्य में कोई विशेष समस्या उत्पन्न हो जाती है तो 10% सहायता इसके आधार पे भी दी जाएगी। तो ये भी याद रखने वाली बात है। तो ये किस योजना में लागू किया? 4थी और 5वीं योजना में गाडगिल फॉर्मूले को ही लागू किया गया। अब ये जो सहायता दी जा रही थी उसमें एक बात और थी कि दो रूप में दी जा रही है, एक अनुदान के रूप में और दूसरा ऋण के रूप में। तो विशेष और सामान्य राज्य में मुख्य अंतर यही था कि 90% उनको जितना भी अनुदान दिया जाना है तो 90% उनको अनुदान के रूप में दिया जाएगा और 10% ऋण के रूप में दिया जाएगा। और जो सामान्य राज्य थे, मतलब 3 राज्यों को छोड़कर जो बाकी राज्य थे, उनको 30% अनुदान के रूप में दिया जाएगा और 70% जो है वो ऋण के रूप में दिया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, इसको हम इस तरीके से देखते हैं। देखिए, आयोजन सहायता जो है केंद्र की, ये यहाँ पे केंद्र की आयोजन सहायता, और ये आप देख सकते हैं विशेष राज्य को 90% अनुदान और 10% ऋण, ये देखिए ये हो गया, और सामान्य को 30% अनुदान और 70% ऋण। तो 1969 में इस फार्मूले को अपनाया गया। और ये जो सहायता दी जाती है योजना आयोग के अंतर्गत, ये आयोजन सहायता जिसको कहते हैं, उसका संविधान के अनुच्छेद 282 में उल्लेख है। वित्त आयोग के बारे में आप पढ़ चुके हैं, 80 और 81, और यहाँ पे 282 में इसका उल्लेख किया गया है। तो इस तरीके से बंटवारा किया जाना था। फिर हम देखेंगे कि गाडगिल फार्मूले में समय समय पे सुधार होता गया। तो पहला जो सुधार हुआ वो था 5वीं योजना के जस्ट बाद, थोड़ा सा इसमें ये सुधार किया गया कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पे जो सहायता दी जाती थी उसको 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया, और जो सिंचाई और पावर परियोजनाओं के आधार पर सहायता दी जाती थी वो समाप्त की गई। बाकी सभी जो बिंदु थे वो सेम थे, मतलब जनसंख्या या कर या विशेष सहायता जो दी जाती थी वो सब सेम थे। तो ये फार्मूला 6वीं और 7वीं योजना में लागू हुआ। कौन सा? जो गाडगिल फार्मूले में जो सुधार था वो, और पहला वाला 4थी और 5वीं, और ये वाला 6वीं और 7वीं। तो ये वर्ष भी आप याद रखेंगे। फिर दोबारा जो संशोधन हुआ वो 7वीं योजना के खत्म होते तक फिर से इसमें संशोधन किया गया। अब जनसंख्या के आधार पर जो सहायता दी जा रही है या जो वेटेज दिया जा रहा था उसको घटा दिया गया, ये कर दिया। और ये सभी 1971 की जनसंख्या के आधार पर था, तो ये वेटेज 60% से 55% कर दिया गया। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जो था वो 10% से 20 किया गया था, अब कर दिया गया 25%। राजकोषीय प्रबंधन के आधार पर 5%, मतलब ये घटा दिया गया, पहले 10% था घटा दिया गया। और विशिष्ट समस्या के आधार पर अब ये 15% कर दिया गया, मतलब पहले से ये बढ़ गया। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं कि तृतीय संशोधन जो हुआ 1991 में, आप लोग को पता होगा कि 90 से 92 में कोई योजना नहीं थी, एक वर्षीय योजना थी 91 और 92 में। 90 में तो ख़त्म हुई 7वीं योजना, 8वीं योजना के पहले गैप था। तो 91 में प्रणव मुखर्जी और गाडगिल, इनका मिला जुला फॉर्मूला आया। तो ये था जो इन्होंने गाडगिल के फॉर्मूले में सुधार किया। तो ये फॉर्मूले में वापस फिर से 60% कर दिया गया, मतलब पहले 55% जो घटा दिया गया था उसको 60% कर दिया गया। प्रति व्यक्ति आय का अनुपात वही था, भार जो था 25 ही था,
बस कर प्रयास का जो भार था 5% था उसको बढ़ाकर 7.5%, और विशिष्ट समस्या जो किसी भी राज्य की होती है उसके आधार पे 7.5% जो है ये कर दिया गया। तो ये इनका फॉर्मूला था, गाडगे मुखर्जी फार्मूला, और ये फार्मूला जो है वो 8वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। आपको मैं बता दूं, जिस समय गाडगिल फार्मूला बना उस समय भारत में बहुत सारे परिवर्तन हुए, उस योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में बहुत सारे परिवर्तन हुए। इसी दौरान हरित क्रांति भी आई थी 1971 में, और भी बहुत सारे परिवर्तन। तो बहुत अच्छे से आप इसका अध्ययन करना चाहिए अगर आप योजना के बारे में पढ़ रहे हैं तो। अब यहाँ हम देखते हैं कि चौथे संशोधन हुआ जिसको प्रणव गाडगिल फार्मूला, ये भी प्रणव मुखर्जी जो कि उस समय तत्कालीन कहना चाहिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने मूलतः गाडगिल फार्मूले पे क्योंकि आधारित था इसलिए इसको प्रणव गाडगिल फार्मूला 1996 कहते हैं। और इन्होंने जनसंख्या का आधार तो वही रखा 60%, जो मूल गाडगिल फार्मूले पे आधारित है। प्रति व्यक्ति आय का आधार घटा दिया, जो 25% था उसको 20 कर दिया गया, और सेम टू सेम 10% कर प्रयास गाडगिल ने जो कहना चाहिए उपाय सुझाया था वो इन्होंने लागू किया, और विशिष्ट समस्याओं के आधार पर भी 10%। तो मूलतः जो गाडगिल फार्मूला था उसमें और इसमें दो ही अंतर था कि जो प्रति व्यक्ति के आय का आधार 10% से 20% कर दिया गया, और सिंचाई और पावर परियोजनाओं वाला मैटर तो पहले ही हट गया था। तो यहाँ पे एक ही अंतर हम मान सकते हैं। तो ये जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको लागू किया गया। यहाँ मैंने एक चार्ट बनाया, इसमें आप कंपेयर कर सकते हैं कि 1969 में देखिए जनसंख्या के आधार पे 80 सभी जगह केवल एक ही साल 55%, 1990 में इसको दिया गया प्रति व्यक्ति आय जो थी वो 10, 20, 25 होते 96 में प्रति व्यक्ति आय का जो आधार है वो 20% कर दिया गया। कर प्रबंधन का भी आप देख सकते हैं 10-10 था शुरू में, फिर 5% हुआ, फिर आखिरी में 96 में 10%। विशिष्ट समस्या के आधार पे देख लीजिए 10-10% ही रहा, और फाइनली 10% ही रहा। सिंचाई तथा विशेष परियोजनाओं के आधार पर केवल 1969 में ही कहना चाहिए विशेष बल दिया गया था। एक चीज़ और इस चार्ट में नहीं दिख रही है, वो ये है कि विशेष राज्यों की संख्या जो है वो बढ़ती गई है। प्रारंभ में 1969 में 3 थी, वो मैं आपको आगे एक और क्लियर कर रही हूँ इसलिए इस चार्ट में मैंने नहीं बताया। तो आइए देखते हैं, ये था आपका गाडगिल फार्मूला। अब हम जानेंगे कि ये विशेष श्रेणी के राज्य जो हैं उसकी अवधारणा क्या है। तो वैसे तो संविधान ने किसी भी राज्य के लिए विशेष श्रेणी के लिए कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन योजना आयोग के सुझाव के आधार पर कुछ कहना चाहिए कुछ मानदंडों के अंतर्गत कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाता है। अनुच्छेद 371 के अंतर्गत बहुत सारे संविधान संशोधनों में विशेष राज्यों की संख्या जो है वो बढ़ती गई, विशेष श्रेणी के राज्य। तो इसका मानदंड वही है कि पहाड़ी क्षेत्रफल जहाँ बहुत ज़्यादा हो, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ हो, भारत के लिए जिसका सामरिक महत्व हो, जो क्षेत्र सामाजिक आर्थिक माने पिछड़ापन झेल रहा हो, जहाँ की प्रति व्यक्ति आय और कर राजस्व बहुत कम हो, वहाँ उस राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यही था कि इन राज्यों का जो पिछड़ापन है वो दूर हो, और जो इतना ज़्यादा क्षेत्रीय असंतुलन आ जाता है, जहाँ आप एक तरफ मेट्रो सिटी देखेंगे और वहाँ इन राज्यों को देखेंगे तो महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, इन प्रकार के राज्यों से ये राज्य जो है वो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, तो इनको दूर करना बहुत आवश्यक था। तो प्रारंभ में जो विशेष राज्य 3 थे वो 2001 तक 11 हो गए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1969 में ये यहीं तक का मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि ये जो मैंने गाडगिल फार्मूला बताया उसी के अंतर्गत इनकी संख्या जो है वो बढ़ती गई। गाडगिल मुखर्जी जो है लास्ट जो है वो इनकी संख्या बढ़ती गई। अब हम देखेंगे कि 1969 में कितने थे, असम, जम्मू और कश्मीर और नागालैंड, एक इसमें रह गया है, नागालैंड भी है। 1971 में हिमाचल प्रदेश, 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, 1975 में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और 2001 में
उत्तराखंड। तो ये जो है विशेष राज्यों की संख्या उपरोक्त मानदंड मैंने जो बताया है उसको ध्यान में रखते हुए बढ़ती गई। तो ये आप देख सकते हैं शुरू में 3 हो गए, नागालैंड छूट गया है, तो ये 3 और ये फिर 1, 4 मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और उत्तराखंड। तो ये पंचवर्षीय योजनाएं कौन सी थी ये भी आप ध्यान में रखेंगे। पहले में चौथी पंचवर्षीय योजना थी, हिमाचल प्रदेश भी चौथी पंचवर्षीय योजना में आया है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा भी चौथी पंचवर्षीय योजना में आया है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया है और उत्तराखंड जो है वो 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया है। तो यहाँ इनकी संख्या को आप बिल्कुल याद रखेंगे। आगे देखते हैं, एक मैप है इसमें क्राइटेरिया दिया है और आप देख सकते हैं ये जो देखिए ये येलो वाला जो पार्ट है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को दिखाता है। आप इनकी स्थिति देख सकते हैं कैसी है, ये सब बॉर्डर में स्थित है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है। तो एक मानदंड ये भी है कि ये क्योंकि हमेशा यहाँ खतरा बना रहता है और बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो दुरूह है, कठिन है, इसलिए विकास करना हमेशा कुछ ना कुछ समस्या यहाँ बनी रहती, चाहे आक्रमण को लेकर, युद्ध को लेकर, जो भी है। तो ये तीनों स्थिति आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर, और यहाँ पे आप देखिए ये वाली जो पोजीशन है असम की, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, इसको 7 बहनों का राज्य भी कहते हैं। और ये पूरे नॉर्थ ईस्ट के जो क्षेत्र हैं यहाँ की जो जीवन है वो बहुत कठिन है। क्राइटेरिया जैसे दिया है, लो डेंसिटी है, लोकेशन है, लॉन्ग बॉर्डर्स है, मतलब बॉर्डर से लगा हुआ है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, हिली टेरियंस है, मतलब पहाड़ी है, रास्ता होता है बहुत दुरू होता है, जहाँ कुछ भी विकास करना बहुत कठिन हो जाता है। तो इसके कारण इनको विशेष राज्यों का दर्जा दिया गया। अब देखें कि ये जो है विशेष श्रेणी के राज्य, इनको न केवल कर मतलब विशेष सहायता मिलती है, कर्ज मुक्त मतलब ज़्यादा कर्ज नहीं, अनुदान ही ज़्यादा मिलता है, और इनको कई प्रकार के करों से भी अगर यहाँ कोई निजी व्यक्ति निवेश करना चाहता है तो उसको बहुत सारे कर जो सरकार लगाती है उससे छूट मिलती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि लोग प्रोत्साहित होते हैं, लाभ इनका क्योंकि अधिक होता है यहाँ, और यहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार मिलता है, उत्पादन बढ़ता है, तो क्षेत्रीय विकास की संभावना बढ़ जाती है। वर्तमान स्थिति यह है कि केंद्रीय सरकार कहती है कि हम किसी राज्य को विशेष दर्जा नहीं देंगे, विशेष आर्थिक पैकेज दे सकते हैं लेकिन विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा अब नहीं दिया जा सकता। वित्त मंत्री का कहना है कि 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के बाद अब किसी को भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। आपको मालूम होगा कि बहुत सारे राज्य निरंतर ये मांग करते हैं कि बिहार जैसे आंध्र प्रदेश है और भी राज्य हैं, और बिहार तो बहुत जोर तोर से लगा हुआ था भी, लेकिन कोई विशेष राज्य का दर्जा अभी नहीं दिया गया है। तो ये था गाडगिल फॉर्मूला, और आशा करती हूँ कि प्रत्येक बिंदु को आप ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से कहें या फिर सेमेस्टर एग्ज़ाम की दृष्टि से।